डियर स्टूडेंट, गायत्री स्कूल के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं 12.3 एक्सरसाइज। इस 12.3 एक्सरसाइज में ये एक तो प्रमेय 12.8 का यूज़ होगा और एक ये वाला यूज होगा कि समान चाप से एक ही वृत्तखंड में बने कोण समान होती हैं। जैसे ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ठीक है। ये और ये इसका यूज होगा ज़्यादातर, तो एकाध का जो यूज होगा वो मैं बता दूंगा। ये ज़्यादातर यही यूज होगा 12.8 पर में। तो यहाँ देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ये ट्रू फॉल्स वाले सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर एक का ये फर्स्ट वाला है, ये कह रहा है किसी जीवा द्वारा वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं पर आंतरित कोण बराबर होता है। देखो यहाँ ध्यान दीजिए, वो ये कह रहा है एक वृत्त है, ये जीवा है मान लो, इसके द्वारा वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं के कोण बराबर होते हैं। तो उसमें उसने ये नहीं बोला है कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। तो अगर एक ही वृत्तखंड होगा तो कोण बराबर होंगे, और वृत्तखंड इधर साइड में होगा तो ये इसके बराबर नहीं हो सकता। तो ये है ना फाल्स है, ये असत्य है। अब इसके बाद इसका दूसरा देखिए, सेकंड क्वेश्चन में ये कह रहा है आकृति दे रखी है, ये वृत्त दे रखा है और इस पे ये व्यास दे रखा है ए बी, ओ से होकर जा रहा है, ये ए बी व्यास है वृत्त का, और इस पे बिंदु हैं सी डी और ई। ये मान लो सी है और इधर ये डी है और ये इधर ई है। तो ये कह रहा है इधर आकृति में ए सी स्क्वायर बराबर होगा सी, ए सी स्क्वायर बराबर होगा, ए सी स्क्वायर बराबर है बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अच्छा, ये और ये वाले त्रिभुज हैं तो ये गलत होगा। देखो इसके हिसाब से ये अर्धवृत्त में बना कोण 90 अंश का होता है। यहाँ हम कैसे लिखेंगे इसको, इसको लिखेंगे कोण ए सी बी बराबर है ना 90 अंश होगा अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में जो कोण बनता है वो 90 अंश का होता है। तो ये 90 का होगा तो समकोण त्रिभुज में इसका स्क्वायर, तो इसका सही जो आंसर आएगा वो आएगा ए बी स्क्वायर, 90 के सामने का कर्ण होता है। तो ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा, और ये यहाँ हमने जो दे रखा है वो दे रखा है ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर, ये दे रखा है। तो ये कह रहा है सी बिंदु पर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी ए बी स्क्वायर, ए बी 90 के सामने का कोण ए बी स्क्वायर ये होगा, ठीक है। तो ये इसमें हमें ये जो दे रखा है, ये इसमें ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर सही है ये, तो इट इज ट्रू, ये सही है। देख लो ये कह रहा है ये वृत्त है जिसका व्यास है ए बी, और यहाँ सी है, यहाँ डी है और ये ई है, और ए बी सी में संबंध है। तो ये देखो अर्धवृत्त में बना कोण ये 90 का है, तो 90 के सामने का कर्ण होता है, तो कर्ण ये है कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये होगा, ठीक है। तो ये वाला सही है, इसमें यही दे रखा है, ठीक है। अगर इसमें नहीं दे रखा है ये तो असत्य है, ठीक है, देख लेना इसमें क्या दे रखा है, देखता हूँ अभी एक मिनट। चलो ये असत्य है, यहाँ बी सी ए सी स्क्वायर बराबर दे रखा है। अब इसका थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है आकृति दे रखी है, ये वृत्त है, इसमें हमें दिया है ये ए बी है और ये सी है, ये ए बी है व्यास और ये ओ है, ये सी ये डी और ये ई, और इसमें हमें दिया है
थर्ड वाला क्वेश्चन, ए डी ई बराबर 120, ए डी ई, ए और ये डी और ये ई, ये 120 है, 120 डिग्री है, ए डी ई, ए डी ई 120 है और ई ए बी, ई ए बी, ई ए बी ये वाला, ई ए बी ये है ना 30 है, ई ए बी 30 है, तो इसमें इसने पूछा है डी बी डी ई पूछा है, बी डी ई, बी और डी और ई, ये कितना होगा, ये 120 है और ये पूछा है बी डी ई, ये कितना होगा, तो यहाँ देखिए इससे इन दोनों से ये कोण बन रहा है और इन दोनों से ही ये वाला कोण बन रहा है परिधि पे, तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा, तो ये भी 30 का ही होगा, ठीक है, आप इसको लिख सकते हो, देखो ये है ना, ये जो है ये 30 है, यहाँ से देखिए ये पूछा है इसने दे रखा है हमें ए डी ई बराबर 120 और यहाँ से इसको मिलाया है, तो ये ए डी बी कोण ए डी बी ये बराबर 90 अंश होगा, अर्धवृत्त में बना कोण है, ये अर्धवृत्त का कोण, तो ये 90 होगा, तो इसमें जो बचा हमारे पास बी डी ई, अतः कोण बी डी ई ये होगा 120 माइनस 90 यानी 30 अंश, तो ये वाला 30 अंश होगा, तो एक समान चाप से ये वाला कोण बन रहा है, इन दोनों चाप से ये कोण बन रहा है, तो ये भी ए बी ए डी बी ए ई बी ए ई ये भी 30 होगा, समान चाप के कोण, समान चाप द्वारा बने कोण, समान होते हैं, देख लो यहाँ से, जैसे ये पूरा 120 दे रखा है, ठीक है ना, तो हमने यहाँ से इससे इसको मिलाया, तो ए डी बी ये हो जाएगा 90, अर्धवृत्त में बना कोण है, ये 90 हो गया, ठीक है, तो 90 120 में से 90 गए, तो ये 30 का आया, अब बी और ई से ये इन चाप से ये वाला कोण बन रहा है एक, ये 30 है, तो इससे ही ये वाला बन रहा है, तो ये भी 30 होगा, तो इसलिए ये 30 है, ठीक है ना, ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है, तो इसमें उसने ई ए बी 30 दिया है, तो 30 ये, तो ये सत्य है, ये वाला सत्य है, तो ऐसे ट्रू फॉल्स आपको करने हैं, क्लियर। अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, ये तो ट्रू फॉल्स थे, ट्रू फॉल्स तो आपके आते नहीं हैं, ये ट्रू फॉल्स में आपको केवल नॉलेज दी जाती है कि ये क्वेश्चन कैसे होती हैं, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 से देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है 12.3 एक्सरसाइज का, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है वो एक आकृति है, इसमें हमें दे रखा है ओ बिंदु, ये है, ये ओ है, यहाँ पे केंद्र, वृत्त का केंद्र ओ है, और ये इधर ए है, और ये सी है इधर, और इधर ये बी है, और ये आकृति ऐसे दे रखी है, इससे इसको मिलाया है और इससे इसको मिलाया है, और यहाँ से ये है ना रचना की है हमने यहाँ से ये, ठीक है, उसने पूछा है हमें आकृति में ए बी सी कोण ए बी सी है ना, वो 45 अंश दे रखा है, ये वाला कोण ए बी और सी, ये वाला कोण ए बी सी 45 है, ये वाला कोण 45 है, तो वो ये कह रहा है ये तो दिया है,
और हमें इसमें ये सिद्ध करना है, सिद्ध करना है के ओ सी है ना, ओ ओ ए और ओ सी लंबवत हैं, ए ओ लंबवत है सी ओ के, ये आपको सिद्ध करना है, यानी ये आपको कोण है ना वो 90 अंश का दिखाना है। क्लियर? तो यहाँ से देखो ए और सी से ये तो परिधि का कोण है और ए और सी से ये केंद्र का कोण है, तो केंद्र का कोण परिधि के कोण का दो गुना होता है। तो यहाँ से हम हल कर रहे हैं इसको, तो पहले हल में आपको ये कोण दे रखा है ए बी सी बराबर 45 अंश, ये परिधि का कोण है, परिधि पर कोण, और केंद्र पर जो कोण होगा वो होगा एओसी, तो कोण एओसी ये होगा टू कोण एओबी एबीसी, तो ये आएगा दो गुणम 45, तो ये 90 अंश। क्यों? प्रमेय ये है ना, प्रमेय 12.8 से है, केंद्र पर बना कोण परिधि पे बने कोण का दो गुना होता है। ठीक है, तो ये 90 हो गया। अब ये 90 मान लो ये कोण 90 आया तो ये इस पे लंब है, अतः ए ओ है ना वो लंबवत है सी ओ के। आपको ऐसे करना है, इजी क्वेश्चन है, एक दो नंबर के क्वेश्चन आते हैं ये, तो सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या किया है, ये 45 दे रखा है और ये कह रहा है ये इस पे लंब है, तो ये 90 का बताना है। तो इन ए सी से ये कोण बन रहा है परिधि पे और ए सी से ये कोण बन रहा है केंद्र पे, तो परिधि का परिधि से केंद्र का कोण दो गुना होता है, तो ये 45 है तो ये 90 हो जाएगा। बस इतना सा क्वेश्चन है 12.8 प्रमेय से। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है ओ त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र है, ये देखो त्रिभुज है ये एबीसी, ये ए है ये बी है ये सी है और इसका परिकेंद्र, परिकेंद्र का मतलब इन तीनों शीर्षों से बराबर दूरी है, ये ओ है, परिकेंद्र ओ है। आधार बी सी का मध्य बिंदु है, डी है ना बी सी का मध्य बिंदु है, डी जो है वो बी सी का मध्य बिंदु है, और हमें सिद्ध करना है इसमें कोण बी ओ डी, बी ओ डी बराबर है कोण ए के बराबर। तो रचना में थोड़ा सा इससे इसको मिला दीजिए आप और इससे इसको मिला दीजिए और इससे इस पर लंब डाल दीजिए, ये ऐसे किया आपने। ठीक है, तो हमें जो दिया है यहाँ पे हमें दे रखा है बी डी है ना वो बराबर है डी सी के, मध्य बिंदु है बी सी का डी, ये दे रखा है और हमें सिद्ध ये करना है हमें कोण बी ओ डी बराबर है कोण ए के। तो हमें क्या करना है, पहले ये और ये जो दोनों त्रिभुज हैं ना इनको आप सर्वांग सम सिद्ध कर लो। सर्वांग सम सिद्ध क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें ये एक कोण है ना वो दो के बराबर सिद्ध करना है, फिर तो हम लगा देंगे प्रमेय, ये है ना इससे डबल होता है तो ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। तो हल करते हैं यहाँ से, इसमें रचना की है थोड़ी सी हमने, रचना में हमने बी ओ तथा सी ओ को मिलाया। अब यहाँ से देखिए इसको हल कर रहे हैं हम, तो सबसे पहले आपको ये वाले दोनों त्रिभुज ले लो बी डी ओ, त्रिभुज बी डी ओ तथा त्रिभुज सी डी ओ में ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कर रहे हैं। तो यहाँ देखो बी ओ बराबर सी ओ, बी ओ बराबर है सी ओ, ये तो वृत्त की त्रिज्याएं, तो त्रिज्या तो हमेशा बराबर होती है। ठीक है, और ये वाली दूरी है ना वो इस दूरी के बराबर दे रखी है,
बी डी बराबर दे रखा है डी सी, ये दिया है, और ये डी ओ दोनों में कॉमन है, ये ओबहेलिस्ट है। तो आपको मालूम पड़ा ये भुजा इसके बराबर, ये दोनों में कॉमन, क्योंकि ये वाली भुजा इस त्रिभुज में भी काम कर रही है, इस त्रिभुज में भी काम कर रही है, और ये दोनों की त्रिज्या बराबर। तो ये दोनों त्रिभुज है ना, त्रिभुज बी डी ओ ये सर्वांग सम हो गया त्रिभुज सी डी ओ बाई साइड साइड साइड, तीनों साइड बराबर हैं इसलिए सर्वांग सम हो गया। सर्वांग सम हो जाएगा तो एक कोण दो के बाद संगत कोण समान होंगे, तो यहाँ लिख दो तो संगत कोण समान होंगे, अब संगत कोण समान होंगे तो कोण एक बराबर होगा कोण दो के, ये आपको पहला समीकरण मिला। अब आप कर सकते हो, यहाँ से देखिए प्रमेय है, प्रमेय 12.8 से हम जानते हैं केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का डबल होता है, दोगुना होता है, परिधि के कोण का दोगुना होता है, ये 12.8 प्रमेय है। प्रमेय क्या है, 12.8 प्रमेय से तो डबल होता है, तो आप लिख सकते हो कोण बी ओ सी ये बराबर है 2 कोण ए के, और बी ओ सी जो है, बी ओ सी है हमारे पास कोण एक और दो का टोटल। अब आपको किसके बराबर सिद्ध करना है, ये बी ओ डी इसके एक के बराबर सिद्ध करना है, तो आप समीकरण एक से मान लगा दो, दो की जगह एक, ये समीकरण एक से मान लगाया तो ये हो जाएगा दो कोण एक बराबर दो कोण ए, और दो से दो कट जाएगा कोण एक बराबर ए, और कोण एक किसके बराबर है, बी ओ डी के बराबर, तो लिख दो यहाँ कोण बी ओ डी बराबर है कोण ए के। आपको ऐसे हल करना है, तो ये है ना 12.8 प्रमेय से हल हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, तो हमें इस, हमने इसमें क्या किया, दो त्रिभुज है ना सर्वांग सम सिद्ध करके, और हमने कोण एक और कोण दो दोनों बराबर किए, और फिर 12.8 प्रमेय से हमने इसको हल किया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर में हमारे पास, क्वेश्चन नंबर फोर में ये एक उभयनिष्ठ कर्ण ए बी पर दो समकोण त्रिभुज हैं ए सी बी और ए डी बी, यानी हमारे पास उभयनिष्ठ भुजा है ए बी है, ये इस पर दो त्रिभुज हैं, एक तो इधर है ये त्रिभुज ए सी बी और एक इधर है, ये है ए बी सी, और ये चक्रीय चतुर्भुज है, ये वृत्त भी बना हुआ है इस पर चक्रीय चतुर्भुज में बोल रहा है वो, उसने कहा है ये समकोण है और ये बराबर है, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है कोण बी ए सी, कोण बी ए सी बराबर है कोण ए डी बी, अब बी ए सी कौन सा है इसमें, बी ए सी ये वाला कोण बराबर सिद्ध करना है हमें ए डी बी, ए डी बी ए डी डी कहाँ है इसमें, अच्छा ये ए बी, अच्छा ये ऊपर वाला ये डी है, तो किसके बराबर करना है, ए बी ए सी और बी डी सी, बी डी सी बी डी
और ये सी इधर लगा दो, ये इस कोण के बराबर इसको सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये दोनों है ना, सिंपल है, ये तो एक ही लाइन का क्वेश्चन है। यहाँ से देखो बी सी से समान चाप बी सी से ये बन रहा है कोण, और बी सी से ही इधर बन रहा है, तो ये कोण इसके बराबर होगा, ठीक है। यहाँ से लिख दो, एक लाइन का सवाल है, एक ही वृत्तखंड में, एक ही वृत्तखंड है इसमें, देख लीजिए क्यों, क्योंकि ये बी सी है ना, इससे तो यही बन रहा है इसमें, और इससे ये बन रहा है। तो यहाँ देखो हम जानते हैं कि एक ही वृत्तखंड में, एक ही वृत्तखंड में समान चाप से बने कोण समान होते हैं। तो बी सी से ही बन रहा है, एक ही वृत्तखंड में समान चाप से बने कोण समान होते हैं, तो हमें बी सी से, बी सी से हमें एक कोण मिला है भाई बी ए सी, ये बराबर होगा कोण बी डी सी। बस ये आपको इतना दिखाना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, समान चाप से कि यहाँ से देखो ये बी सी है, यहाँ से ये चाप, ये कोण बन रहा है एक, और यहाँ से ये कोण बन रहा है, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये क्वेश्चन है ना, इस एक्सरसाइज से भी ये क्वेश्चन आता है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में। तो इसमें आपको एक तो समान चाप से एक ही वृत्तखंड में बने कोण समान होते हैं, एक तो इसका यूज हो रहा है, एक 12.8 प्रमेय का यूज हो रहा है, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दो गुना होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें बोल रहा है, ये भी सिंपल ही क्वेश्चन है, एक व्रत की दो जीवाएं ए बी और ए सी केंद्र पर क्रमशः